नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैनचेस्टर में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 24 रनों से जीत मिली है। क्रिस बोक्स, जोफ्रा आर्चर और सैम कुरेन की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरा वनडे मैच जीत कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। इंग्लैंड ने 24 रन के अंतर से ऑस्ट्रेलिया को इस दूसरे मैच में मात दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने लगातार दूसरे वनडे में मुश्किल में डाला। इस जीत में तीनों इंग्लिश गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए, वहीं आदिल राशिद को 1 सफलता मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए हालांकि इंग्लैंड भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी और निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 231 रन ही बना पाई, मगर इसके बाद गेंदबाजों ने कोहराम मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए इस छोटे से स्कोर को भी बड़ा कर दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 207 रनों पर ही समेट दिया। जोफ्रा आर्चर मैन ऑफ द मैच रहे। बता दें, इंग्लिश गेंदबाजों के आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच और मार्सल लबुसेन ही टिक पाए। फ्रिंच ने सर्वाधिक 73 रन और लबुसेन ने 48 रन बनाए, वहीं एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेली। इन तीनों के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 11 रन से अधिक नहीं बना पाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले वनडे 19 रन से जीता था, मगर दूसरे वनडे में टीम लय में कहीं भी नजर नहीं आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत भी लचर रही। 7वें ओवर तक उसके दोनों सलामी बल्लेबाज जॉनी बेरियस्टो और जेसन रॉय पवेलियन लौट गए थे। एडम जाम्पा ने अनुभवी जो रूट, कप्तान इयान मॉर्गन और पहले मैच में शतक जड़ने वाले सैम बिलिंग्स को आउट करके इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा दिया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।